place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ड्रोन खरीदने की और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छे ड्रोन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आज से करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने एक ड्रोन खरीदा था IZI करके। सो 54,999 का वो ड्रोन था। सो मैं उसमें पैसा बर्बाद कर चुका, बट थैंक्स टू अमेज़ॉन उन्होंने मेरा पैसा रिफंड कर दिया मुझे। और मैंने उसके बाद दिया बहुत ही अच्छा ड्रोन, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग भी आपको आज दिखाऊंगा और जिसको मैं आज आपको सामने लाके दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा ड्रोन लिया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज निशांत एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूं मैंने कौन सा ड्रोन लिया है। सो मैंने लिया है DJI मिनी 3 एंड ये फ्लाई मोर कॉम्बो पैक है इसका। सो मैंने DJI मिनी 3 क्यों चुना, DJI मिनी 3 प्रो क्यों नहीं चुना, उसका भी मैं आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। सो सबसे पहले कर लेते हैं इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग। सो यहां पे आपको DJI की ऐप भी मिल जाएगी, अगर आप यहां से इंस्टॉल करना चाहो आप स्कैन करो और यहां से आपकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, बट मुझे ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं उसका रीजन भी बताता हूं क्यों। सो पहले अपना DJI मिनी 3 अपना अनबॉक्स कर लेते हैं और इसमें मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या मेरे को मिलता है। एक बहुत ही प्यारा सा बैग मिलता है सबसे पहले, उसके बाद इसमें एसेसरीज में क्या मिलता है, दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह, यानी 3 sets of propeller, 2 4 6 8 10 12 प्रोपेलर मिलते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, USB A to USB C चार्जिंग केबल मिलती है इसकी, और USB C to USB C एक ये चार्जिंग केबल मिलती है। उसके बाद मिलता है फ्लाइम और कॉम्बो पैक में आता है ये एक्स्ट्रा 2 बैटरी। पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, सो मैं पैकिंग फेंकूंगा नहीं, मैं इसमें अंदर ही डाल देता हूं। फिर हमारा ड्रोन, कुछ इस तरीके का दिखता है ये DJI मिनी 3। और सबसे लास्ट में ये है इसका, मैं इनको साइड में कर देता हूं, ये है इसका RC रिमोट कंट्रोल। सो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ, ये डिस्प्ले वाला रिमोट कंट्रोल है इसका। सो आजकल बहुत ही अच्छा फीचर DJI ने दे दिया कि डिस्प्ले दे दिया रिमोट में, आपको एक्स्ट्रा मोबाइल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो और काफ़ी हैंडी है, मतलब आप अच्छे से पकड़ सकते हो इसको, मैं इसको रख लूँ, आप काफ़ी अच्छे से पकड़ सकते हो। यहाँ पर 2 की हैं, ये 2 वो दिए गए हैं वीडियो और फोटो का कैप्चर करने के लिए बटन्स, एंड ये व्हील्स दिए गए हैं जूम इन करने के लिए और गिम्बल को अप डाउन करने के लिए। सो कुछ इस तरीके का रिमोट है। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग हो गई, ये सामान इसमें मिलता है, प्रोपेलर, बैटरी और वायर्स एंड रिमोट एंड DJI का ड्रोन। सो अब मैं आपको इसका अनफोल्ड करके भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का ड्रोन है ये। एक बैटरी आपको इसमें साथ में मिलेगी, 2 बैटरी इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगी, एक ये और एक ये। सो इस ड्रोन की मैं सबसे बड़ी वो बताऊं, अगर आप इसके साथ जो बैटरी आती है ये वाली, ये अगर इस ड्रोन में लगाते हो तो इसका वेट होता है 249 ग्राम। सो
जब भी आप फ्लाई करें किसी ऐसे जोन में जहां पे आपको लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी बैटरी को लगा के फ्लाई करें। जस्ट बिकॉज अगर आपका मतलब ले भी लेते हैं तो आपका माइक्रो कैटेगरी में आ जाएगा ये, और अगर इसका वेट भी करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप इन बैटरीज को लगाते हो तो वेट 249 या 250 से ऊपर जा सकता है, सो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये था भाई इसका अनबॉक्सिंग। फिलहाल मैं इसको रेडी करके दिखाता हूँ। इसके जो नॉब्स हैं वो यहाँ पे नीचे माउंट किए गए हैं। आपको जब भी इसको यूज़ करना होगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको जब भी इसे यूज़ करना होगा आपको इसे लगाना होगा ऐसे, और ये हो जाएगा आपका रेडी। और रिमोट में डिस्प्ले दी गई है, डिस्प्ले के साथ CNS मतलब सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। एक पावर बटन दिया गया है, दो जॉयस्टिक्स दी गई हैं, और बटन है ये, इस पर आप मतलब ऑटो रिटर्न होम का, तो इसको दबा के आप ऑटो टेक ऑफ वगैरह इसका कर सकते हैं। सो इस तरीके का इसका ये रिमोट है फिलहाल। एंड मैं इसका गिम्बल का भी कवर हटा देता हूँ। गिम्बल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कवर दिया गया है, सो कवर में हटा दिया, एंड ताकि गिम्बल भी ना हिले इसलिए एक्स्ट्रा कुशनिंग इसमें पीछे दी गई है। सो कुछ इस तरीके का ड्रोन हो जाता है ये, और मैं एक बार स्टार्ट भी कर लेता हूँ। ऐसी बीप की साउंड आ जाएगी जब ये स्टार्ट हो जाएगा लाइक इसकी, और रिमोट स्टार्ट करने पे, जब आप रिमोट स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले इस पे आएगा। सेटअप मैं ऑलरेडी कर चुका क्योंकि मैं एक बार इसे फ्लाई कर चुका हूँ, मेरे को मंगाए हुए इसे हो गए हैं 7-8 दिन, और मैंने कितने का मंगाया और कहाँ से मंगाया वो भी मैं आपको डिटेल में दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप कर लिया, सेटअप करने में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी आप अपना मेल आईडी डालिए और वहां से आप इसे पूरा वो कर सकते हैं। सो डिस्प्ले पे आपको देख जाएगा जहां जहां ड्रोन का वो जाएगा, कैमरे पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा यहां से। सो ये ड्रोन था। अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने कितने का मंगाया। ये मैंने मंगाया, वैसे ऑनलाइन आप अगर इसको देखोगे तो लगभग 1,39,000 समथिंग का ये ऑनलाइन शो करता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से लो। ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो डेफिनेटली वहां से, बट जहां से भी लो वहां पे एक बार पहले देख लेना। पहले पेमेंट किसी को भी मत करना, अगर वो आपसे मिलके अगर ऑन शॉप पे अगर पेमेंट कर लेता तो ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर पहले किसी को भी मत करना, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप गूगल से कहीं पे भी सर्च करते हो तो फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं। बट अगर आप अमेज़ॉन वगैरह से मंगाएंगे सो वहाँ से एक तो महंगा मिलेगा, बट श्योरिटी रहेगी कि ड्रोन आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ वो था। अगर आप इसमें रिमोट में देखें तो नॉर्मल मोड, सिनेमैटिक मोड और स्पोर्ट्स मोड, ये तीनों का यहाँ जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता, और ये बैटरी का दिख जाता है, यहाँ पे RC का वो दिख जाता है, आपको छोटे उसमें दिख रहा होगा। एंड इस रिमोट में चार्जिंग के लिए एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है और एक यहाँ पे, ये मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट USB से यहाँ से, अगर आप ये जो रिमोट है ये एज ए आपका पावर बैंक का भी काम करता है, ये भी बैटरीज आपकी पावर बैंक की तरह काम करती हैं। यहाँ पे आउटपुट का आपको दिख गया होगा यहाँ चार्जिंग, एंड ये आउटपुट आप इनसे ले सकते हो, एज ए पावर बैंक भी इसे यूज कर सकते हो। और ये इंटेलिजेंट बैटरीज हैं जो इंटेलिजेंस उसके साथ आती हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस के कुछ वो बताती हैं। सो कुछ इस तरीके का था ये ड्रोन का सेटअप। एंड ये वाला जो ड्रोन का वो है, मैंने यही क्यों लिया, सो इस ड्रोन में आपको मिलता है, आपको गिम्बल हिलता हुआ दिख रहा होगा, आप इस ड्रोन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जैसे भी आप वीडियो बनाना चाहें, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं एंड शॉर्ट्स भी यूट्यूब पे बहुत सारे चल रहे हैं, सो उसके लिए वर्टिकल ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो DJI ने इसमें इम्प्रूव करके वर्टिकल का भी ऑप्शन दे दिया, सो आप वर्टिकल वीडियोज भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब बताता हूँ मैंने ये लिया कितने का। मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से लिया 95,000 रुपीज़ का।
बिल्कुल थोड़ा महंगा है। मैंने इससे पहले जो डीजे आईजीआई करके एक कंपनी है, इंडियन कंपनी बताते हैं, बट वो इंडियन नहीं है भाई। मेरी अभी आई बटन में आपके राइट कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे एक लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पे मैंने उस वीडियो का पूरा मतलब आईजीआई की पूरी हिस्ट्री बता के रखी हुई है कि क्यों वो नहीं लेना चाहिए और चाइनीज़ ब्रांड है, क्यों आपको उसमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। एंड दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई हुई है कि भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनीज उन लोगों को पैसा देती है इसलिए वो वीडियो क्रिएट करते हैं। जिसको पैसा मिलेगा भाई वो ये नहीं देखेगा कि आपके व्यूअर्स को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मैंने ये ड्रोन इसीलिए ख़रीदा कि भाई मैं आपको बता सकूं, अगर आपको ड्रोन चाहिए और स्पेसिफिक मतलब अच्छा ड्रोन चाहिए तो ये बेस्ट है भाई, और चाइनीज़ मेड है भाई। उसके लिए सॉरी, चाइनीज़ ख़रीदना पड़ा क्योंकि और कोई भी कंपनी ड्रोन नहीं बनाती, और कोई भी कंट्री ड्रोन नहीं बनाती, ये चाइना बेस्ड है ये कंपनी DJI, सो यही ड्रोन बनाती है, तो इसी का मेरे को लेना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। सो कुछ इस तरीके का था भाई ड्रोन का सेटअप। और मैं इसमें बता दूं, आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। DJI Mini 3 Pro में क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे सेंसर दिए हुए हैं कि जो आपका ड्रोन टकराए ना वो वाला ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का सेंसर होते हैं वो दिए गए हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। इस बैटरी का जो फ्लाइंग टाइम कंपनी क्लेम करती है वो 35 मिनट्स का करती है, बट जो मेरे को इसका फ्लाइंग टाइम मिला है वो 25-26 के अराउंड, और उसके बाद भी 8-10% बैटरी बच जाती है, क्योंकि रिटर्न होम कर देता हूँ मैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर आपकी बैटरी हवा में ख़त्म हो गई या ड्रेन हो गई बिल्कुल। और ये भी आपको रिमोट भी बीप की साउंड आपको देने लगेगा जब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, सो बेटर है कि आप उसे लैंड करा लें तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। सो कुछ ये थी इसकी मेन वो। और दूसरी चीज़, ये जो बैटरीज हैं ये स्पेशल इंटेलिजेंस वाली बैटरीज हैं, ये आपको कंपनी क्लेम करती है 47 मिनट्स का बैटरी बैकअप देंगी, ये 47 एंड 47। तो इनका मैंने अभी, सच बताऊं, मैंने अभी इनको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा एक ही उससे काम चल गया था बैटरी से, मैंने ज़्यादा फ्लाई नहीं किया क्योंकि अभी इतना मेरे को परफेक्शन नहीं है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ ड्रोन उड़ाने में। सो जब मैं इनका करूँगा मैं डेफिनेटली एक इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि कैसा है इनका बैटरी बैकअप और कैसी है इनकी फ्लाइंग। अदरवाइज़ वैसे ड्रोन बहुत अच्छा है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक अच्छा अगर आपको ड्रोन ख़रीदना है तो भाई DJI लो। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि भाई मैंने DJI Mini 3 क्यों प्रेफर किया, सो उसका रीज़न ये है भाई, DJI Mini 2 पहले आता था, अब DJI Mini 2 SE करके आता है, उसमें 4K का ऑप्शन नहीं मिलता, 2.7K वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, और उसमें ये वाला रिमोट नहीं मिलता, उसमें आपको प्रॉपर एक सेलफोन अटैच करना पड़ेगा, मतलब अपना मोबाइल अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्प्ले का ऑप्शन उसमें नहीं है। सो एक रीज़न ये था मेरा थोड़ा सा अपग्रेड करने का अपने आप को। तो कुछ इस तरीके का था भाई ये। और जो इसका गिम्बल की वो है, ये रिपेयर भी जिनसे मैंने लिया है उन्होंने बोला कि अगर आपका इन केस अगर ख़राब भी हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास मतलब हम इसका बैकएंड सपोर्ट भी दे देते हैं, क्योंकि DJI इंडिया में अपना कोई भी सर्विस सेंटर नहीं देती, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा कांटेक्ट ज़रूर ढूंढना पड़ेगा जिससे आप अगर आपको कोई मतलब आपके ड्रोन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसके प्रोपेलर आपको एक्स्ट्रा चाहिए या ये इसकी बॉडी या कुछ भी प्रॉब्लम मतलब टूट जाती है, कुछ भी आ जाता है, सो सेपरेट पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको रिमोट भी मिल जाएगा, आपको गिम्बल भी मिल जाएगा, बॉडी भी मिल जाएगी, प्रोपेलर भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा बैटरीज भी मिल जाएगी, सो सब कुछ आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई मेरे को कांटेक्ट कर वो कर लो, मैं आपको अपनी मेल आईडी मेंशन कर देना, मैं मेल आईडी पे आपका सारा डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा कि कहाँ से आपको ये लेना है और कहाँ से बंदे का कांटेक्ट नंबर भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट जेन्युइन बायर होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ इंक्वायरी के लिए उन बंदों को मतलब जिनसे मैंने लिया इंक्वायरी के लिए उनको फ़ोन करो और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उन्हें आपको करनी पड़े, मतलब टाइम वेस्ट होता है, सो ऐसा ना करें। सो जो जेन्युइन बायर हैं वो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ये वीडियो भाई किसी के लिए भी मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने अपना लिया, मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी इसलिए मैंने ये लिया। और रही बात भाई जो ड्रोन था IZI का, भाई एक बंदे ने भी मेरे को कमेंट करके लिखा, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा क्या उन्होंने लिखा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उन्होंने कमेंट करके लिखा है मेरे को, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। वो उन्होंने मतलब मैसेज कर, मतलब जैसे कमेंट करते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में मेरे नाम मेंशन करके लिखा है कि जो IZI स्काई ड्रोन है वो किसका नाम चेंज करके दे रही है। IZI जो सी फ्लाई फेट 2 करके एक ड्रोन आता है, आपको अलीबाबा पे देखने को मिल जाएगा। सो वो वहाँ पे 21,000 समथिंग का है, जो ये लोग 54-55 का बेच रहे हैं। सो वो सेम ड्रोन कलर चेंज करके, बॉडी का कलर चेंज करके, बट उसकी जो बॉडी होती है मतलब जो डिज़ाइन होता है सेम वही है, सिर्फ कलर चेंज करके भाई धड़ल्ले से पील रहे हैं। और जो एक बार खरीद रहा है उस ड्रोन को भाई हाथ जोड़ रहा है, बहुत बहुत गालियां दे रहा है इन लोगों को। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी है कि भाई किस तरीके के लोग मैसेज कर रहे हैं अमेज़ॉन को, मतलब उस ड्रोन की कंपनी के चक्कर में अमेज़ॉन वाला गाली खा रहा है। तो प्रॉब्लम अमेज़ॉन को फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज बाइंग जो पोर्टल है वो अमेज़ॉन है, मतलब आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो इसलिए उसी को मतलब उसमें का आंसर करना पड़ रहा है। सो ये था भाई कुछ इस तरीके का ड्रोन। और मैं अभी आपको GPS यहाँ पे है नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको इसका टेक ऑफ करके दिखा देता हूँ कि कैसे टेक ऑफ होता है ये। स्टेबिलिटी आप देख रहे हो कैसी है, सब कुछ आप देख रहे हो, मैं घर में बैठ के इसे फ्लाई कर रहा हूँ। तो ये था भाई इसका, मतलब मेरे को इसके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि ये धोखा नहीं देगा। वो ड्रोन मैंने उड़ाया था तो भाई वो इधर से उधर भाग गया था, एंड मैंने बताया भी था उस वीडियो में कि मेरा हाथ काट दिया था। सो कुछ इस तरीके का ड्रोन था है ये, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और जैसा भी आपके आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं, या जो भी आपका मतलब आप जो भी कुछ लिखना चाहें, अच्छा बुरा भला जैसा भी आप लिखना चाहें, अपने कमेंट में मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप नीचे डेफिनेटली अपना रिव्यू जरूर दे के जाएं आपको वीडियो कैसी लगी। और बस इतना ही था, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए। और हाँ, जल्दी से मैं एक वीडियो वो भी बनाने वाला हूँ कि मैं मेरे गैजेट्स कौन से हैं जो जिनसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ बेसिकली। सो ये ड्रोन का वीडियो स्पेसिफिक उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से कि भाई बताओ आप कौन सा ड्रोन ले रहे हो, सो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। सो कुछ ऐसा था, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।